मिसेज चटर्जी वर्जेस नॉर्वे भी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इतना ही नहीं, सागरिका चटर्जी की जर्नी को किताब का भी रूप दिया जा चुका है। आज से एक दशक पहले नॉर्वे में रह रहे एक दंपति के केस ने पूरे देश भर में मीडिया की अटेंशन पाई थी। केस के अनुसार नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर सर्विस ने उस कपल के बच्चों को अपनी कस्टडी में लेते हुए पेरेंट्स पर आरोप लगाया था कि वे अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं। बच्चों को जबरन छीने जाने पर एक मां ने ऐसा शोर मचाया कि ग्लोबल लेवल पर यह केस चर्चा में बना रहा। अब उसी केस को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। नॉर्वे कंट्री में पिछले 4 साल से अपने पति संग रह रही सागरिका चटर्जी, रानी मुखर्जी की जिंदगी में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब उसके 2 छोटे बच्चों को वहां की गवर्नमेंट के चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उठाकर ले जाया जाता है। वेलफेयर सोसाइटी का यह आरोप है कि सागरिका अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ है, वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। वही दूसरी ओर बच्चों को एक नॉर्वे की दंपत्ति अडॉप्ट कर लेती है, जहां सागरिका अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने में एड़ी चोटी की जोर लगा देती है। लगभग 4 साल तक चलने वाले इस हाई प्रोफाइल केस के दौरान आखिर सागरिका किस तरह के ट्रॉमा से गुजरती है, बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सत्य घटना पर आधारित इस केस में सागरिका का पक्ष क्या है, इन सबको डिटेल में जानने के लिए आपको सिनेमाघर की ओर रुख करना होगा। आशिमा ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसे इमोशन को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी उठाई है जो यूनिवर्सल है। माँ के इमोशन और उसकी स्ट्रगल जैसी कहानियों ने हमेशा से दर्शकों के दिलों के तार को छुआ है, लेकिन आशिमा के इस खूबसूरत से सब्जेक्ट में एग्जीक्यूशन के लेवल पर कई कमियां दिखती हैं। इस फिल्म का सबसे कमजोर पक्ष इसका स्क्रीन प्ले रहा है। राइटिंग के लेवल पर कहानी बहुत ही ढीली नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सोशल मीडिया पर हाइप्ड हुई केस को बिना प्रॉपर रिसर्च की स्क्रीन पर ला दिया गया हो। खासकर कुछ किरदारों की डिटेलिंग पर काम नहीं होने की वजह से स्क्रीन पर वे कंफ्यूज्ड से लगते हैं। इन कमियों की वजह से एक इमोशनल सब्जेक्ट होते हुए भी फिल्म आपके दिल को छू नहीं पाती है। 2 घंटे 24 मिनट की इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में कम समय लेते हुए सागरिका के बैकड्रॉप को स्टेब्लिश कर दिया गया है। वही सेकेंड हाफ में कुछ हिस्सों में कहानी का स्ट्रैच साफ नजर आता है। हो सकता है रानी का लाउड बंगाली बोलना या उनके ड्रेसिंग सेंस पर कम्युनिटी की महिलाओं को आपत्ति भी हो। सेकंड हाफ में कुछ डायलॉग्स व सीन इमोशनल हैं, जिसे देखकर आपकी आंखों में नमी जरूर आएगी। खासकर एक सीन जहां रानी गुस्से में आकर चावल संग दूध को मिलाकर उसे खाती है, वहां रानी इम्पैक्ट जरूर छोड़ती है। यह सीन दिल धड़कने 2 के दौरान शेफाली शाह के चॉकलेट खाते हुए सीन की याद दिलाता है। इन दोनों सीन्स में समानता यही है कि बिना कुछ कहे ही वहां एक महिला की बेबसी, गुस्से, फ्रस्ट्रेशन को सटल तरीके से दिखाया गया है। पति से थप्पड़ मिलने के रिएक्शन में जिस तेजी से रानी का थप्पड़ चलता है, वो सीन भी काफी नेचुरल है। इसके अलावा अपनी महीने भर की बेटी के लिए रानी का ब्रेस्ट फीडिंग करता वो सीन एक केयोटिक माहौल में भी बच्चे के प्रति माँ के केयर को खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। आखिर के सीन्स में रानी द्वारा बोले गए मोनोलॉग को ज्यादा अग्रेसिव न रखते हुए उसे एक बेबसी की तरह प्रेजेंट करना काबिले तारीफ है। ओवरऑल रानी की परफॉर्मेंस इस फिल्म में दमदार रही है, लेकिन डायरेक्शन के मामले फिल्म थोड़ी सी 19 साबित होती है। माँ का इमोशन यूनिवर्सल होता है। कहा जाता है माँ के आगे सब कुछ पूर्ण विराम। एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है, उसकी सच्ची कहानी को दिखाया गया है। इसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए। उस पर से रानी की दमदार परफॉर्मेंस सोने पर सुहागा है। रानी के फैंस उनके इस नए अवतार से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। फैमिली फिल्म है तो पूरे परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। हाँ, खासकर अपनी माँ या बच्चों को वीकेंड में इस फिल्म को दिखाकर ट्रीट दे सकते हैं।